दिलाया गया। अगले चार दिनों तक विक्रम चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा। चौथे दिन ऑर्बिटर के OHRC पेडोल ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की सही जगह की तलाश शुरू कर दी। ऑप्टिकल हाई रिजोल्यूशन कैमरे से लिए गए चित्रों को पृथ्वी पर तस्वीरों को प्रोसेस किया गया। उसके बाद लैंडिंग साइट के मानचित्रों को विक्रम में अपलोड किया गया और फिर नीचे उतरने की शुरुआत हुई। विक्रम पहले चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ा, फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह के करीब आ गया। फिलहाल विक्रम चंद्रमा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से विक्रम चंद्रमा पर आहिस्ते से उतरेगा। विक्रम में ऐसे ऐसे कैमरे लगे हैं कि वो चंद्रमा की बेहतरीन तस्वीरें भेज सकता है, लेकिन वो कब तक ऐसा कर सकेगा ये उसके जीवन काल पर निर्भर करता है। जहां तक इन तीनों हिस्सों के जीवन काल की बात है तो ऑर्बिटर का जीवन काल लगभग 1 साल है। विक्रम और प्रज्ञान का जीवन काल चंद्रमा का एक लूनर डे है, जो पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। यानी अगले 14 दिनों तक प्रज्ञान चंद्रमा के अनजाने अनछुए पहलुओं को देश और दुनिया के सामने लाता रहेगा। आज तक ब्यूरो।